सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, आज मेरे घर में मेरा एक किसान मित्र आया है और उसका नाम है अनुज। अनुज जो हैं ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हैं और नन्योता ब्लॉक है जी। और अच्छी खेती करते हैं। ये हमसे 1847 का बीज ले गए थे और आज PR 126 लेने आए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे चर्चा करें और आप सबके साथ इनके विचार साझा करें कि इन्होंने क्या बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लगाई हैं जिसके चलते इनके खेत में अच्छी धान की फसल खड़ी है। अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आप बताइए, आप कुल खेती कितनी करते हैं? सर, मैंने 60 बीघे धान लगा रखे हैं। 60 बीघे जी। ओके, कौन कौन सी किस्में लगाई हैं? 35 बीघे जी मैंने 1847 लगा रखी है जी। 25 बीघे मैंने लगा रखी है जी, 1509। अच्छा जी, तो 35 बीघे का बीज तो शायद हमसे लिखा था, है ना जी? जी। और 1509 का आपने वो लिया था जी, मैंने इंद्री मंडी से। अच्छा, इंद्री से। अनुज, इस बार ना 1847 का बहुत शोर रहा है जी, तो आपको कैसे पता लगा कि पूसा बासमती की कोई नई किस्म आई है? यूट्यूब के जरिए से पता चला था सर। यूट्यूब देखते रहते हो? जी जी। हैं जी, तो आपने फिर बीज लिया ये जी, तो किसान भाइयों को आप बताएं कि कब आपने इसकी पौध लगाई और पौध में क्या क्या किया, इसमें बकानी या झंडा आया कि नहीं आया? जी सर, मैं बीज आपसे लेकर था जी। जी, मैंने 6 तारीख को लगाया था जी, वो 6 तारीख को पौध तैयार करी थी, पौध डाल दी थी जी जी, 6 अप्रैल को। अप्रैल जी। ओके। और तो जी, मैंने ये 8 मई को खेत में रोपाई के लिए तैयार कर दिया था। अच्छा, आपके यहाँ क्योंकि छूट है हरियाणा पंजाब में तो देर से लगती है जी। ओके जी, तो अब वो तो पौध जो तैयार की उसमें कोई खास ध्यान दिया हो आपने? बची दवाई कर पानी का ध्यान है जी, खाद का जी बस। अच्छा जी जी, तो क्या क्या खाद दी पौध में आपने? शुरू में जी, बोने से पहले जी डाई लगाई थी जैसे आपने बताया था जी। अच्छा, हल्की हल्की जी, बावस्टियन वगैरह से उपचारित करा था जी। जी जी, बीज को उपचारित जी। ओके, तो ये फिर उसमें जी मैंने 4-5 दिन बाद रिएंट वगैरह डाला था जी, कीटनाशक जी। ओके, और ये थाइफिनेट मिथाइल जी बस जी। अच्छा, थाइफिनेट मिथाइल डाली थी, ये पौध में ही डाली? हाँ जी। तो इससे पौध का बचाव, तो किसान भाई आपने देख लिया कि इन्होंने अपनी पौध को बकानी आने से कैसे बचाया है, जिस प्रकार हम बताते हैं तो वही चीज़ें इन्होंने फॉलो की हैं और उसके चलते इनके यहाँ बकानी या झंडा रोग नहीं आया है। तो आपने इसकी रोपाई कब की है? 8 मई को की थी। 8 मई को जी। तो कितने एरिया में लग गया है आपकी पौध ये जी? मैं आपसे 25 किलो बीज लेगा था जी। जी जी जी, ये 35 बीघे में लग गया जी। 35 बीघे में बहुत जी। तो पौध अच्छी थी? बहुत बढ़िया पौध। कमी तो नहीं हुई? ना जी, फालतू रही जी, 2 किले फालतू लगवा दे जी। अच्छा, फालतू बन गया जी, मतलब बहुत अच्छा बीज का जर्मिनेशन हुआ जी। जी, बहुत बढ़िया बात। तो आप ये बताएं कि पौध लगाने से पहले आपने पाड़े काटे होंगे उसमें? जी जी, जैसा आपने बताया था जी। अच्छा जी, तो क्या क्या डाला? मैंने जी खेत में जी डाई डाली थी जी। अच्छा, 2 धड़ी का बीघा जी। अच्छा, फिर जी मैंने उसमें जो है ना जी ये पटिला करोड़ रहती है जी। उसके बाद जी मैंने जी खेत में पौध लगा दी थी जी। ठीक, गुड। पानी देते रहा जी, 4-5 दिन बाद जी मैंने खेत में जी पहला यूरिया लगाया था जी। अच्छा, उसके साथ मैंने जी थाइफोनेट मिथाइल जी। अच्छा, और जी ये क्लोरोसाइफर आती है जी, सड़ाई की दवा जी, वो लगाई थी जी। अच्छा, दोनों लगा दी जी। जी जी, तो इसके बाद ठीक चलता रहा? हाँ, कितने दिन की आपकी रोपाई की हुए खेत में धान हो गया? मेरे खेत में जी पूरे आज 1 महीने का होगा जी, 8 तारीख है जी आज जी। अच्छा, 8 तारीख 8 जून है जी, तो 8 तारीख को 1 महीना हो गया है जी। जी जी, और उसका कद कितना हो गया होगा? लगभग जी 1.5 फुट का हो गया जी। 1.5 फुट का हो गया? हाँ जी। ओके जी, और बकानी है कहीं कहीं खेत में जी? बस नाम मात्र की एक या दो पेड़ उखाड़े थे जी सुबह जी, यानी खेत में कोई बकानी रोग नहीं है। नहीं है ना जी। ओके जी, किसान भाई इन्होंने कहा है कि बकानी नहीं आया है जी। 1 या 2 पौधे रोपाई करने के बाद आए हैं और वो भी कहीं मिसमैनेजमेंट हो गया होगा। मैं बार बार कहा करता हूँ कि आप जब रोपाई करें और जो लोग उस पौध को उखाड़ते हैं तो पौध को बड़े ध्यान से सीधे उखाड़ें और पाँव पर ज़्यादा नहीं मारें, क्योंकि उससे पौधे की जड़ें टूटती हैं और उनमें हो जाता है इंजरी या जख्म, जिसके चलते ये जो फंगस के स्पोर्स हैं, ये जो बीजाणु हैं या इनाकुलम है, फफूंद है जो बकानी वाला, इसको बड़ा आसान रास्ता मिल जाता है उन इंजरीज वाली जड़ों से
पौधे में घुसने का और बकानी उसमें आ जाता है। तो अनुज आप बताइए, अब क्योंकि एक महीने की फसल हो गई है और कद भी अच्छा हो गया है, आप यूरिया भी दे रहे हैं, दवा भी दे रहे हैं, पानी भी समय से आ रहा है, तो उसमें फुटाव कितना हो गया होगा? 25 से 30 कल्ले निकल रहे हैं जी, एक पेड़े से जी। एक पेड़े से जी जी। सच सच बताओ यार, बजी आप खेत में आएंगे देख लो जी, हैं खेत में आएंगे देख? नहीं, हम आएंगे जरूर। तो कोई नहीं, मैं वीडियो भेज दूंगा जी आपको जी। हमारा आपसे वादा है, हम आपका खेत जरूर देखने आएंगे जी, क्योंकि हमको ये भी देखना है कि आपके यहाँ इतना अच्छा क्यों चल रहा है, और का भी चल रहा होगा, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। बजी मेरे यहाँ जी काली मिट्टी है जी, खादर की जी। अच्छा जी, वो कुछ ज्यादा ताकतवर तो लगा। पानी ट्यूबवेल का है कि नहर का है? कुछ बिजली का भी है जी, और कुछ ट्रैक्टर का है जी। अच्छा, ट्रैक्टर से पंप से चलाते हैं, रोड डेल चलाते हैं। ओके, तो आप उम्मीद करते हैं कि अच्छी होगी, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं किसान भाइयों, आपकी ओर से भी मैं अनुज और अन्य किसानों को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि सबकी फसल बहुत अच्छी हो, और बकानी रोग नहीं आए, और झंडा रोग नहीं आए, और पिछली बार आए थे बौने या मदरे पौधे, वो वाले पौधे भी नहीं आए, और आपके यहाँ पैदावारी बहुत ही ज़बरदस्त हो। आपको आर्थिक लाभ, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।